के ऑर्गेनाइजर्स विश्व मोहन जी और मुझे जिन्होंने बुलाया, रचना मैडम, और मेरे साथ आए हुए पीवीआर के वाइस प्रेसिडेंट एचआर श्री दशरथ सिंह जी। आज मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे हाथ से ये इवेंट का इनॉग्रेशन हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं ये इवेंट के लिए। कुछ ही समय में आदिति गोयत्रीकर भी आने वाले हैं, विश्व मोहन जी, मनीषा केलकर जी और पूरी टीम उनकी बहुत ताकत से ये इवेंट करने वाली है। ये 2 दिन इवेंट चलने वाला है। मेरी तरफ से, अभिजीत राणे जी की तरफ से, हमारे यूनियन की तरफ से मैं ये इवेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिर एक बार विश्व मोहन जी और उनकी पूरी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि दे हैव डन एक्सेलेंट जॉब। थैंक यू। पहले दर्शन जिसमें मैं अभिजीत राणे जी, मोहन जी और रचना जी के साथ में अटेंड कर रहा हूँ, एंड आई विश देम द वेरी बेस्ट। और इन्होंने अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, सो आई फील दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। इतने शॉर्ट नोटिस में भी और मुंबई में ट्रैवलिंग, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि काफ़ी चैलेंजिंग है, उसमें 10 मिनट के लिए इतना लंबा ट्रैवल करके हमें ब्लेस करने आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के 2 दिन के जो प्रोग्राम है, इसमें हमारा बुक लॉन्च, अवार्ड सेरेमनी बेसिकली अवार्ड सेरेमनी का एक मोटिव है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको मोटिवेट करना, बिकॉज आप लोग सभी ने देखा है कि 2 से 2.5 साल में सब काफ़ी डीमोटिवेट हो गए, तो एक नए स्पिरिट के साथ, एक नए जुनून के साथ सब वापस से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, इसी मोटिव से हमने यहाँ पे सम्मान समारोह बुक लॉन्च कर रहे हैं। और अभिजीत राणे सर और दर्शन सिंह के प्रेजेंस से आई एम श्योर ये 2 दिन काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू सर। यहाँ आकर के हम लोगों को ब्लेस करने के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स फोरम को ब्लेस करने के लिए, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। Mr. Nawaz Singh, Mr. Thank you. Thank you. Thanks, Rajesh ji, for writing such a brilliant book. क्योंकि हमें तो आज तक लॉस ही हुआ है ट्रेडिंग में, आगे सब ही अवार्ड्स हुआ है, जिनका भी बुक लॉन्च हुआ है, मीडिया टीम को अपना बाइट जरूर दे करके जाए, बिना बाइट दिए हुए ना जाए। और लास्ट में अगेन हमारी पीआर टीम, जिन्होंने कल शाम को कॉल किया अपने सारे माइक के साथ, अपने सारे लोगों के साथ आ गए, उनका मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वो एक बार प्लीज स्टेज पे आ जाए। मिस्टर विश्वा जी, क्योंकि इन्होंने जो ये EFI अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किया, तो इससे एंटरप्रेनर्स को सराहा, बुक लॉन्च हुए हैं, बहुत अच्छे बुक्स थे, मैंने टाइटल्स देखे हैं, आई एम वेटिंग टू रीड देम बिकॉज दे सीम वेरी वेरी गुड, सो ऑल थैंक्स टू हिम, ग्रेटफुल टू यू सर, मुझे यहाँ पे बुलाया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जी, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बुक्स पढ़ती भी हूँ, तो आज ये जो बुक्स के टाइटल देखे, ये बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत एम्पावरिंग है, तो मेरी यही कामनाएं रहेगी कि ये सारी बुक्स जो है ये बेस्ट सेलर रहे। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा अवार्ड फंक्शन था, इट इज़ एन ऑनर, मुझे बेस्ट राइजिंग एंटरप्रेन्योर फॉर द ईयर 2023 का आज अवार्ड दिया गया, फेलिसिटेट किया गया, फीलिंग वेरी हैप्पी, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, काफ़ी अच्छा अवार्ड फंक्शन था, और
2023 का दूसरा अवार्ड है एक ही हफ्ते के अंदर, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि 2023 की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी धमाकेदार हुई है. सो डेफिनेटली आगे और भी चीज़ों के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं लोग. क्या करते हो सर आप, उसके लिए आपको अवार्ड दिया? सो बेसिकली मेरा जो काम है, आई एम द CEO ऑफ कृष्णा कुंज प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड. मेरी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है और हमारा अभी एक नया रियलिटी शो भी आ रहा है एक लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म के साथ, जो फैशन एंड ग्लैम सेगमेंट के अंदर रहेगा. तो इसका अनाउंसमेंट ऑफिशियली मार्च में होने वाला है. सो इट इज़ डेफिनेटली इन दैट फील्ड एंड आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन द करंट कैटेगरी ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो उसके रिगार्डिंग अवार्ड दिया गया. थैंक यू सो मच. कहा काफ़ी कुछ हम लोगों को गाइड किया, इस इवेंट के बारे में बताया, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया, इनका आने के लिए, इनको टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद. और जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं उन सब के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ नहीं होता है, आपके अंदर का जज्बा होता है. आप उस जज्बे को जब आगे लेकर के आते हो तो आप कुछ से कुछ कर सकते हो. तो जस्ट अपने अंदर के जज्बे को बनाए रखें और आप किताबें लिखें, अपने आप को प्रमोट करें, अपने आप को आगे लाए, पढ़े, सीखे, समझे और एक अपने सक्सेस के नई जर्नी में एक नई ऊंचाई काम करें. यही आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं. थैंक्स अ लॉट. अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल है. मैं फाउंडर, मैनेजर एंड ओनर माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बरेली. आज मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में अवार्ड मिला है और मैं उसके लिए बहुत बड़े आभारी भी हूँ. मैं एजुकेटर भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ. एजुकेटर बाय पैशन हूँ और सोशल वर्कर बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ. एजुकेटर मैं पिछले 19 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 3,500 बच्चे मेरे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं. और मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने समाज में, क्योंकि शिक्षित दे तो शिक्षित भारत विकसित भारत, ये मेरा मोटो रहा है. और उसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है. और इसी कारण मैं हर वर्ष कोशिश करता हूँ कि कुछ 100 बच्चों को फ्री पढ़ा पाऊँ. पिछले कोरोना काल से मैंने 500 बच्चों को फ्री पढ़ाना शुरू किया है. हर वर्ष 500 बच्चों को फ्री पढ़ाना ये मेरा मोटो है और मैं कर रहा हूँ. और आगे भी मेरा ऐसा प्रयास है और ज़्यादा बच्चों को मैं फ्री पढ़ा पाऊँ. और अभी हम जल्दी ही अगले महीने से एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें गांव में सैनिटरी पैड्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं अपने बैनर के तहत, जिसमें 50,000 सैनिटरी पैड्स हम अगले 2 महीनों में बांटेंगे. और ये हमारा मोटो है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे. और यही प्रयास है कि समाज को कुछ हम अपनी तरफ से दे पाए. थैंक यू. थैंक यू. चलो, सो हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा केलकर. मैं एक एक्टर हूँ, एक रेस कार ड्राइवर हूँ और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कॉन्क्लेव में लिटरली आई मेट मैनी राइटर्स, कोई पोएट थे, कुछ डॉक्टर्स थे. वंडरफुल, एक ही जगह पर ऐसे लोग मिलना, इट्स रियली ब्रिलियंट. एंड विश्वा और पवन को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा एक यू नो इवेंट ऑर्गेनाइज किया. आई वुड ऑल्सो लव टू मैंशन कि लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बच्चों ने यहाँ पर एक गो कार्ट बनाई है. एट दी एंट्रेंस व्हेन आई एंटर्ड इट वॉज ब्रिलियंट एंड इट्स ईवी गो कार्ट, इलेक्ट्रिक गो कार्ट. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. उनकी रेसेस होने वाली है आई थिंक फेब फर्स्ट वीक में इन पूना एंड 80 कॉलेजेस आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. इफ आई एम फ्री आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो देयर. थैंक यू. My name is Dr. Roshni. I'm an energy healer and also I'm a teacher. And I received today this Entrepreneur Forum of India Award, the best energy healer of the year 2023. And I'm very happy and thank to the Vishwa Mohan GC for recognizing my healing ability and for giving this platform. And also I have released 2 books on healing and introducing the different light codes for healing various illness and for self-healing. So I really thank to Vishwaji for giving this opportunity. Thank you. My name is Don't Go to Prison After College, and this is an opportunity for me to talk to the entire country, talk to people, talk to primarily the student community, that how people make bad decisions about picking wrong careers, picking irrelevant careers. And I'm very, very excited to reach out to masses and express whatever I've learned, not just as a student, as an entrepreneur, and as somebody who's worked with lakhs,
hundreds and thousands of people in the last 15 years. Thank you so much. Sales in Paylookin. It's a fintech company, and I'm so grateful to EFPI for awarding PayLocal with this award. We are an 18-month-old company, and we are into WhatsApp-based payment collection solutions. So I would again want to thank the organization for awarding us, and it motivates us further to do good work that we are doing, and I would want to receive this on behalf of entire team who's not here. Myself, Nikita Bhatte, and I'm VP Enterprise Sales. So she's briefly given the what PayLocal does. We are trying to revolutionize the entire payment journey using WhatsApp chatbot, right? And successfully we've been doing this from 18 months now, and it gives me a lot of immense pleasure to say that we've grown like 6 times in last 18 months, and this gives us a great nudge and encouragement to grow further. Thank you so much. Thank you. Myself, Dr. Kunal Ramteke. I would like to thank EFI to award Health Details for the best health tech startup. Basically, Health Details is all about converting जो आपके और आपके फैमिली के सारे फिजिकल मेडिकल रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट करके एक स्मार्ट मेडिकल फाइल में कन्वर्ट करता है. एंड अगेन लाइक वी वुड लाइक टू थैंक्स EFI कि उन्होंने बेस्ट हेल्थ टेक कैटेगरी में हमको अवार्ड दिया है. थैंक यू सो मच. Thank you, Vishwa Mohan Singh. I am a parenting coach. My company, Astitva Healing, helps parents. बहुत सारे parents हैं जो आजकल के parents जो है, they are not able to handle their children. को हम पुराने ज़माने की है और बच्चे तीसरे ज़माने की है. तो I have very happy that he has acknowledged the role of a parenting coach and my book. Thank you so much for this. Thank you for the honor, and I'm glad. Thank you. Kasar, I've been awarded for the Business Empiricist Innovator. I thank Vishwaji and I thank the Federation for considering me for the awards. Thank you so much. All the best. Thank you. I'm Nikhil Mishra. I'm a digital painting and animation artist. I'm in Jabalpur, a small village, and I learned animation and digital painting from there. मुझे जो ये अवार्ड मिला है, मेरे को बहुत खुशी है कि पहली बार मुझे कोई सा अवार्ड मिला है. अपार्ट ऑफ दैट, मैंने एक ट्राइबल टैटू आर्ट में काफ़ी काम किया है. मैंने गोदमा आर्ट, विच इज़ ट्राइबल टैटू आर्ट, उसको 3D में बनाया है. उसके लिए मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, और भी मुझे 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले फॉर डिजिटल पेंटिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड. थैंक यू. शुभम सुगंधी, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट मार्केटिंग मंत्रा, एज वेल एज वी रन ए स्मॉल NGO नोन एज सुगंधी इनोवेशन एंड मल्टीपर्पज फाउंडेशन. आई रियली लाइक टू थैंक EFI फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल इवेंट एंड गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू बी अ बॉडी एट दिस इवेंट. आई वुड रियली अप्रिशिएट मिस्टर विश्वा, डॉक्टर अदिति एंड पर्टिकुलरली मनीषा मैम फॉर गिविंग मी सच ब्यूटिफुल अवार्ड ओवर हियर. थैंक यू एवरीवन. मीम चलता है लेट्स इंस्पायर बिहार, और ये बहुत अच्छा, विश्वा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो अपनी बात रख सकें, और मुझे लगता है इससे सारे यंग एंटरप्रेन्योर का मनोबल बहुत बढ़ेगा. आपको आगे सारे इवेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. एंड थैंक्स अलॉट मृणाल जी फॉर कमिंग, और आपने अपना कीमती समय निकाला, और सुबह टाइम थोड़ा सा आप थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो हम आपको प्रॉपर तरीके से होस्ट भी नहीं कर पाए, बट देर आए दुरुस्त आए. और आपका आना और यहाँ पर हम लोगों को इंस्पायर करना बहुत ही अच्छा लगा, और इस तरह से हम भी तरक्की करें और पूरे दुनिया को ही प्रेरित करें कि वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़े और तरक्की करें. थैंक्स. अपॉर्चुनिटी टू शोकेस द टैलेंट व्हाट एवर कैपेसिटी वी हैव राइट नाउ इन फाइनेंशियल एजुकेशन. सो इट हैज़ बीन इंडीड ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. सो आई हैव लॉन्च्ड माई थर्ड बुक कॉल्ड वेल्थ एक्सेलरेटर मास्टरी, where it will be a textbook how you can create your wealth from zero, how you can become a millionaire. That's the best book you can ever have. And from class 5th standard to class 12th or graduate or postgraduate, anybody can read this book. Yes, so it's a great opportunity for me to make people aware that what is financial education. I'm a banker by profession. 15 years I learned from all the banking experience, and right now my mission is how people can get educated in terms of finances. So that's what I represent, my brand called Wealth Accelerator Hub, which got originated 2.5 years back. It has trained more than 47,000 people across India in terms of finances. And Vital Vishwa Publication has given us an opportunity
to make that mission possible in terms of financial issue. Yeah, so thank you so much each one of you for being here, and thank you so much Vital Vishwa and Entrepreneur Forum of India. Yes, thank you so much. Thank you for giving me an opportunity, and thank you for the Entrepreneurs Forum of India. My name is Pramod Shetty, and I'm an innovation coach. I help people in adding value. I've written a book on why do people stammer. People have challenges in their life, in speaking, difficulty in speaking, how they speak. They have stammering problem, and how it can be eliminated or help them to conquer the fear of public speaking. It can be eliminated or reduced by simple techniques, which you will able to see, or once you start reading the books, you'll find it has simple steps like awareness, your breathing pattern, your conscious, being calm and able to accept your stammering, that itself you will break the barrier, and ultimately having a self-belief that you can do anything and everything. Thank you all and giving me an opportunity coming here and publishing my book in this forum of Entrepreneurship Forum of India. Thank you all. Thank you. भास्कर यादव है, मैं संदीप गुप्ता सर की कम्युनिटी से हूँ, और आज मेरी सॉफ्ट कॉपी लॉन्च हुई है मिलेनियर माइंडसेट मास्टरी। किसी भी इंसान को अपने जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है उसका माइंडसेट का है, क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, हम बार बार पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर से हम जंप आउट करके कम बैक करके वापस आ पाते हैं। वो सिर्फ डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे। इसलिए मैंने एक सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये बुक लिखी है। मैं बाय प्रोफेशन फिजिक्स का लेक्चरर हूँ, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोगों को ट्रेन करने के बाद में ये मुझे लगा कि माइंडसेट पे ज़रूर बुक लिखनी चाहिए, तो मैं आज माइंडसेट पे बुक लिखा। और बेसिकली मैं नेटवर्क सेल्स ग्रोथ एक्सपर्ट हूँ, और लगातार मेरा सपना है कि मैं लाखों लोगों के ज़िंदगी में परिवर्तन करके उनकी ज़िंदगी में सक्सेस और हैप्पीनेस को ऐड कर सकूँ। थैंक यू सो मच। एंड आई एम सो डिलाइटेड टू बी एट EFI अवार्ड्स इवेंट। बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज यू नो इसमें लिखा है सोशल सर्वेंट। सो रिसेंटली मैंने लास्ट 3 ईयर से काम शुरू किया था लोगों की हेल्प करना, एंड बाय गॉड्स ग्रेस यू नो वी हैव बीन एबल टू डिस्ट्रीब्यूट लॉट ऑफ थिंग्स टू नीडी पीपल, और उसके लिए मुझे अगर कुछ इनाम मिला आई एम सो हैप्पी। प्लस EFI अवार्ड्स के बारे में कहता हूँ, दिस इज यू नो इंडियाज़ वन ऑफ द लीडिंग अवार्ड शोज विच इज़ हैपनिंग अक्रॉस इंडिया इन वेरियस फॉर्मेट्स, और अभी बहुत सारे होने वाले हैं। तो जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हु आर एंटरप्रेन्योर्स, हु आर डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ, यू नो यू मस्ट कम टू आर अवार्ड शोज एंड नॉमिनेट योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग अवार्ड्स। ऑल द बेस्ट टू EFI एंड एवरीवन यू नो स्टैंडिंग हियर। थैंक यू। EFI अवार्ड एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं विश्व मोहन जी से लगभग 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, और जब उन्हें एक मुंबई में इवेंट करना था तो उन्होंने सपोर्ट मांगा। सो क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी लोगों को इजी लगता है कि बिजनेस कर लो, बट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। जॉब में आपका पे स्केल सिक्योर रहता है, बट एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई नो हाउ मच स्ट्रगल डिड आई फेस। द जर्नी फ्रॉम 5 स्टूडेंट्स टू 135,000 स्टूडेंट्स वॉज नॉट ईजी। आज के डिजिटल दुनिया में इट इज़ वेरी ईजी टू रीच आउट पीपल, कनेक्ट विद पीपल ऑन सोशल मीडिया एंड लाइक, बट फॉर अस 20 years it took to reach here, and this is a very good platform for new entrepreneurs who are looking for a break for their promotion. विश्व मोहन जी क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, विश्व मोहन जी से जब मैं 1 साल पहले मिली, मैंने उनका काम करने का तरीका देखा। ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एंड फोकस्ड पर्सन, एंड कहीं ना कहीं लोगों में एक स्किल होता है, दे आर अपग्रेडेड विद देयर स्किल्स, बट दे डोंट नो हाउ टू ब्रांड देमसेल्फ। सो EFI एंड विश्व मोहन जी ब्रांडिंग का जो काम करते हैं, दैट इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म टू रीच, टू मेक द पीपल रीच देयर डिज़ायर ड्रीम्स। थैंक यू। थैंक यू सर। लाइक माय नेम इज सुब्रत बक्सी, एंड आई हैव रिटन a book, the employee code. So this is like a book about the 21 commandments that every employee has to know, like for like their for their career fast growth. So everybody, like whoever are into that corporate job,
that it will make them easy. So thank you Biswas sir and Sandeep sir for giving me this opportunity to publish this book, and so this will publish soon and it will be available in Amazon. So thank you sir. EFI stands for Entrepreneurs Forum of India. ये हमने करीब करीब 4 साल पहले स्टार्ट किया था और इसका सिंगल मोटो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करना, कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में जो भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, एक मुकाम कैसे हासिल करें, तो इसके लिए हमने EFI का गठन किया और पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया से लोगों को चुन करके जो अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। इसी सिलसिले में आज मुंबई में हमारा इवेंट था। इस इवेंट में करीब करीब 200 से 250 लोगों ने हिस्सा लिया। जितने भी आए हुए लोग हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस इवेंट की यूनिक बात ये रही कि इस इवेंट में जो सेलिब्रिटी गेस्ट थे हमारे वो अदिति गोविदकर मैम थी और मनीषा केलकर जो मुंबई में बॉलीवुड की हीरोइन हैं दोनों, और वो दोनों सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में आई थी। अभिजीत राणे साहब आए थे और भी कई बड़े सेलिब्रिटी और गेस्ट हमारे बीच में थे। और सबसे यूनिक बात इस इवेंट की ये रही कि हमने 10 बुक का एक साथ लॉन्च किया, एंड दैट बुक इज़ पब्लिश्ड बाय वाइटल विश्वा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही पूरे देश से चुने हुए करीब करीब 25 लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने फील्ड में काफ़ी एक्सेल किया है, तो उनको हमने सम्मानित किया। और ये जर्नी हमारी आगे भी जर्नी रहेगी। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और एक मुकाम हासिल करते हो, तो आप मिले EFI से जुड़े और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाए और साथ ही अपने आप को भी एक तरक्की के रास्ते पर ले जाए और अपने सक्सेस पे 4 चांद लगाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वमोहन सिंह आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।